इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है, वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वो स्वयं का शनै शनै शत्रु बनता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए, जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं, जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए।